साथियों, आज हम बात करेंगे भाई व्यय से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारी जनता, चाहे आप किसी भी देश की हो, बहुत सारी जनता है व्यय में रेंट पे रहती है। जी हाँ, कंपनी के वर्कर हैं, जो लेबर क्लास आदमी, वो तो कंपनी के कैंप में रहते हैं, बाकी जो अलग जॉब करते हैं थोड़ी अच्छी सैलरी वाले, उसमें बहुत सारी जनता है जो रेंट पे रहती है, खुद का फ्लैट लेके या एक्स वाई जेड कैसे भी, और बहुत सारे लोग इसका फ्लैटों का बिजनेस भी करते हैं। आप सबको वहां जो रहते हैं उनको पता ही है। तो इसमें मैं बता दूं कि अगर आपके, मान लीजिए आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है अपने मकान मालिक के साथ में, ठीक है, और उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपका मान लीजिए 5 महीने 6 महीने हो गए, आपकी जॉब खत्म हो गई, आपके पास जॉब नहीं है, आप वो मकान छोड़ना चाहते हैं या आप अपने देश आना चाहते हैं, इंडिया कहीं पर भी आप आना चाहते हैं, तो उस दौरान आप ये चाहते हैं कि भाई चलो हम जितने दिन रहे उतना हमने किराया दे दिया, लेकिन आगे जो आपको पता है दुबई में ऐसा नहीं होता भाई, वहां पे एक साल का अग्रीमेंट होता है और वो एडवांस में चलता है, ठीक है। आज जैसे आपने रहा तो 3 महीने का एडवांस दे दो, फिर 3 महीने का होने के बाद इस तरह से एडवांस चलता है, 1 महीने का एडवांस वगैरह वगैरह कई सिस्टम होते हैं, आप सबको पता है जो रूम रेंट लेके रहते हैं। उस दौरान आप ये चाहते हैं कि भाई 3 महीने 4 महीने बकाया है तो हम ये चाहते हैं कि रूम खाली कर दें, क्योंकि हमें, हमारे पास जॉब नहीं है या हमारी सैलरी उतनी नहीं है कि हम जो है वहां पे रेंट पे लेके रह सके। कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे आप रूम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भैया आपको पता अग्रीमेंट हो चुका है, तो मकान मालिक ये नहीं चाहता कि आप रूम छोड़े, उनको नहीं पता, आप छोड़ दो आज ही, लेकिन उसको किराया 1 साल का दे दो और आप उनको देना नहीं चाहते, तो उस कंडीशन में आप, आपके साथ क्या हो सकता है, आप, आपके पास क्या कोई कानूनी विकल्प है जिससे आप इस सिस्टम से, इस झगड़े से बच सकते हैं, तो हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड आपको सही इंफॉर्मेशन रोज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। 2007 में मैं बता दूं साथियों, कानून बना था, कानून नंबर 56 में यह बात बताई गई, दुबई इंटेंसी लॉ, जी हाँ साथियों, किरायेदारी कानून इसको बोल सकते हैं। 2008 में फिर इसको संशोधन कर दिया गया था। जी हाँ, कानून संख्या 26 में जमींदारों और किरायेदारों के बीच में समन्वय का एक कानून बनाया गया, समन्वय मतलब समझौते वाला कानून बनाया गया। जी हाँ, उसमें यह बताया कि महामारी कोई भी रीजन हो जाता है, महामारी जैसा, समझ रहे आप, जैसे कोविड चल रहा है तो ये एक महामारी है, जिसमें अरब अमीरात के जो नागरिक होते हैं उसमें कानून लागू होता है लेन देन का। जी हाँ साथियों, लेन देन का जो वित्तीय लेन देन होता है उसका 1985 की संघीय धारा 85 में ये कानून उसमें बताया गया, उसमें ये बताया गया, मैं बता दूं कि भाई मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो जाती है तो दोनों पक्षों को, वैसे तो कोई कानून नहीं है भाई, सीधा सीधा है कि आप किराया, आपका अग्रीमेंट 1 साल का हुआ है, आप 7 महीने 8 महीने रह लिए, 3-4 महीने का किराया बाकी है, तो आप आज जा रहे हैं, किराया उनको दे दो, आप जाओ, लेकिन आप देना नहीं चाहते क्योंकि भाई वे में दराम में लगता है, 1 का 21 बनता है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है फिर, और दूसरी बात आपकी पोजीशन ही ऐसी नहीं है कि आप वो रेंट दे पाओगे, और रेंट दिए बिना वो छोड़ नहीं सकता, फिर वो पीछे से कानूनी कार्रवाई करेगा, तो इस झंझट से बचने के लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए। इस कानून में बहुत सारी धाराएं बताई गई है, लेकिन शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं, इसमें 2-3 अल्टरनेट आपको दिए गए हैं। पहला अल्टरनेट तो ये है कि भाई आप, चाहे आप 2 आदमी रूम में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, आपका मकान मालिक है, उनको आप समझा सकते हैं कि भाई देखिए हमारे पास जॉब नहीं है या हमारी सैलरी कम हो गई है, हम ये रेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हालांकि अग्रीमेंट हुआ था 11 महीने का 12 महीने का, लेकिन हम इसको छोड़ना चाहते हैं, बदले में हम आपको जुर्माना भी देने के लिए तैयार है। जुर्माना का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा दे दो, वो जुर्माना के तौर पर, आपको रहना नहीं है लेकिन एडवांस दे दिया, आप निकल लिए, लेकिन आपका मकान, एक तो ये ऑप्शन आपके पास होता है, और दूसरा ऑप्शन मान लीजिए आपका मकान मालिक बोलता है नहीं जी हमें तो पूरा पैसा चाहिए, आप चाहे रहो चाहे ना रहो, हमें तो, हमें जुर्माना नहीं चाहिए, हमें पूरा पैसा, जैसे महीने का आपका एवरेज 3,000-5,000 दराम महीने का आ रहा है, तो 3 महीने का 15,000 दराम दे के जाओ, वरना मैं आपको नहीं जाने दूंगा, इस तरह से हो सकता है आपके साथ। हालांकि कानून में ये बातें साफ साफ बताई गई है कि आपका अगर अग्रीमेंट हो चुका है दुबई इंटेंसी लॉ में, कि किरायेदारी कानून में, कि भाई साफ साफ ये बातें बताई गई, अग्रीमेंट हो गया तो आपका किराया लगेगा, लाजमी है, लेकिन एक मैंने आपको बताया 2008 में जो संशोधन हुआ था उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट रख दिया गया कि भाई कुछ महामारी ऐसी हो जाती है कि किरायेदार जो रहता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसकी मजबूरी हो जाती है, उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो देगा कहां से, तो उस दौरान ये थोड़ा सा आपको पॉइंट आपके पक्ष में आ जाता है, इसीलिए इसमें बताया गया कि भाई थोड़ा सा आप अपने मकान मालिक को सोचना चाहिए कि भाई इनकी स्थिति खराब है, तो हम थोड़ा या तो उनको जुर्माना दें या फिर बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्थिति अगर नहीं है, नहीं तो मकान मालिक जुर्माना आपका लेने के लिए तैयार है, नहीं आपका वो फ्री में आपको छोड़ने के लिए तैयार है, तो आपके पास कुछ कानूनी विकल्प बचते हैं। जी हाँ, कानून अग्रीमेंट जब हो जाता है ना, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप एक तरफा नहीं चाह सकते, अग्रीमेंट 1 साल का है तो आप ये नहीं कि 7 महीने रहे, अग्रीमेंट को फाड़ दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं, किराया नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता,
मकान मालिक भी ये नहीं बोल सकता एक साल पहले आपको कि आपको रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अग्रीमेंट हुआ है दोनों तरफ से, समझौता अगर आपस में तालमेल बैठ जाता है तो फिर तो कैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, मकान मालिक को समझाने के साथ आप अपने एविडेंस उनको दे सकते हैं कि सर देखिए हमारे पास ये पहले हमारी सैलरी आती थी, एविडेंस आपके पास होता ही है, अब हमारी सैलरी आधी से कम हो गई है, ये रीजन है, या फिर आप पहले यहाँ जॉब करते थे, अब हमारे पास जॉब नहीं है तो हम संभव है हमारे आपका जो किराया रूम रेंट है वो देने के लिए, कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो मान जाए इस बात को। अगर फिर भी आपका मकान मालिक एकदम झंड बन के बैठा है कि नहीं जी हमें तो पूरा पैसा चाहिए, तब आप उनके खिलाफ, फिर मैं बता दूं दुबई के अमीरात में रेंटल डिस्प्यूट सेंटर, जी हाँ साथियों, इसको RDC में आप संपर्क कर सकते हैं। जुर्माना के भुगतान की भुगतान के साथ आप आपके किराया का जो अनुबंध प्रमाण पत्र है, जो आपका अग्रीमेंट है, उसको साथ में लेके आप अपने मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास बचता है। बस ये दो तीन ऑप्शन मैंने बता दिए, इसी में आपका समाधान हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।